घर के अंदर करंट लगने से आदमी की मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल घर के नौकर से पूछताछ करता है तो नौकर बताता है कि मालिक एक बड़े से टब में आइस वाटर बाथ के लिए रेडी हो रहे थे, तभी अचानक ऊपर लगा बिजली का तार टब के पानी में गिर गया। मालिक ने जैसे ही पैर अंदर डाला उन्हें करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है। वॉच कलर में क्या आप समझ पाए मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन प्योर वाटर। अगर वाटर में गंदगी या पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर में पार्टिकल मूवमेंट मिनिमल होते हैं तो वो बैड कंडक्टर बन जाता है। वही हॉट वाटर पार्टिकल मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से गुड कंडक्टर बन सकता है। अब वो कोल्ड आइस वाटर था तो मालिक को करंट कैसे लग सकता है, वही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चोर गैंग का खबरी शहर में ट्रैवल करके पता करता है कि कौन कौन से घर में आसानी से चोरी की जा सकती है। एक दिन वो खबरी चोर गैंग को तीन इमेजेस सेंड करता है। चोर गैंग का लीडर तीनों इमेजेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन से घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं कौन से घर में चोरी नहीं करनी चाहिए? सोचिए सोचिए। दूसरे वाले घर के बाहर एक डॉग चेन लगी हुई है, इसका मतलब इस घर में डॉग है, इसलिए चोर गैंग इस घर में चोरी करने नहीं आएंगी क्योंकि डॉग भी बड़ा डेंजर और बड़ा दिख रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गणेश ने 35 साल की एज में सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई करके पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। दो दिन बाद डिस्ट्रिक्ट डीएसपी पुलिस थाने में गणेश को बधाई देने के लिए आता है। उन्होंने कभी भी गणेश को देखा नहीं था। वहाँ पे लगभग 35 साल की एज वाले तीन सब इंस्पेक्टर खड़े थे। अब डीएसपी कंफ्यूज हो जाता है कि इन तीनों में से गणेश कौन हो सकता है, लेकिन डीएसपी तो डीएसपी है, वो समझ जाता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, डीएसपी ने कैसे समझ लिया कि तीनों में से कौन गणेश है? क्या सोचा होगा डीएसपी ने? सोचिए सोचिए। पुलिस में आने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। गणेश ने दो दिन पहले ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब उसकी फिटनेस टेस्ट अभी रिसेंट में हुई होगी। और इन तीनों सब इंस्पेक्टर में से केवल दूसरा आदमी ही फिट लग रहा है, मतलब वही गणेश होगा, बाकी दोनों के तो पेट निकले हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नरेश, महेश और सुरेश तीनों लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, मनाली, कश्मीर और राजस्थान। तीनों टूर पर जाने के पहले एक एक सेल्फी लेते हैं और फिर तीनों अलग अलग ट्रेन पकड़ कर निकल जाते हैं। एक महीने बाद तीनों वापस लौटते हैं और फिर दोबारा से एक एक सेल्फी लेते हैं। अब किसी को नहीं पता कौन कहां गया था, तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप जाने से पहले और बाद की सेल्फी देख के बता सकते हैं कि कौन राजस्थान गया होगा, नरेश, महेश या सुरेश? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नरेश थोड़ा सा टैन लग रहा है। अब मनाली और कश्मीर में तो ठंडी होती है और टैनिंग सिर्फ गर्म जगहों पे होती है, अब इन तीनों में सिर्फ राजस्थानी गर्म होता है, मतलब नरेश राजस्थान गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर बहुत दिनों बाद अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो अंदर तीन लेडीज थी। तीनों की हाइट एक जैसी, तीनों का वेट भी एक जैसा और तीनों ने सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखा था। पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों में से उसकी बीवी कौन सी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि पुलिसमैन की बीवी कौन हो सकती है? सोचिए सोचिए। सामने दीवार पर पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की वाइफ ने राइट हैंड में एक धागा पहन रखा है और तीनों लेडीज में से ये सेकंड लेडी ने वैसा ही सेम धागा पहना हुआ है, मतलब ये ही उस पुलिस ऑफिसर की वाइफ होगी। पुलिस ऑफिसर ये समझ जाता है। लॉजिकल आर्मी, पुलिस ऑफिसर के ऐसे डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कृष्णा स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है और कृष्णा का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए उसे एक सवाल पूछता है। ZAON कौन सा ऑड वन आउट है? लॉजिकल आर्मी, कृष्णा तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन क्या आप सोच के बता सकते हैं ZAON ऐसे कौन सा ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। ओ को छोड़कर बाकी तीनों अल्फाबेट तीन लाइन से क्रिएट होते हैं, लेकिन ओ में कोई लाइंस नहीं होती है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। कृष्णा फटाक से इसका जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में टेररिस्ट आ गए हैं।
मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल को खबरी मेहुल को बताता है कि सामने वाले तीन घरों में से किसी एक घर में टेररिस्ट छुपा हुआ है। मेहुल तीनों घरों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि टेररिस्ट कौन से घर में छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, दूसरे घर की बालकनी पर एक लेडी हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही है और हेयर ड्रायर का वायर बाहर लटका हुआ है। मेहुल पुलिस की हेल्प से वहां सर्च करता है और टेररिस्ट को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस का एक बहुत ही खास कबरी था जो एक चौराहे पर पान की दुकान चलाता था। वो हमेशा पुलिस को सीक्रेट तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया करता था। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि उस चौराहे पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल धमाका सिंह को देखा गया है। चौराहे पर एक बस, एक कार और एक ट्रक खड़ी हुई थी। पुलिस अपनी खबरी के पास जाती है जो एक एक करके पुलिस को तीन चीजें देता है। सबसे पहले वो पुलिस को एक ब्लैक पेन देता है, फिर वो पुलिस को एक अम्ब्रेला देता है और फिर वो पुलिस को शुगर देता है। अब इन तीनों में क्लू छुपा हुआ है कि चोर कहाँ छुपा हुआ है, ट्रक में, बस में या कार में। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ब्लैक पेन का बी, अम्ब्रेला का यू और शुगर का एस, तो वो हो जाएगा बस। तो वो खबरी पुलिस को बता रहा था कि धमाका सिंह बस में छुपा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे बस के पास जाती है। धमाका सिंह पुलिस को देख लेता है और खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शिवम पुलिस को बताता है कि वो अपने पांच दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी पीछे से कार आई और उन्हें टक्कर मार दी और ड्राइवर वहां पे कार छोड़ के भाग गया। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। शिवम, मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ। तो शिवम पुलिस को बताता है कि हम पांचों दोस्त हाथ पकड़कर एक साथ यहाँ पे ऐसे जा रहे थे, तभी पीछे से कार आई और हम पांचों को मार दी। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि शिवम झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। अब शिवम और उसके पांच दोस्त मतलब छह लोग हो गए। अगर वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो उन्हें काफी स्पेस लगेगी। अब कार पीछे से आके छह को एक साथ कैसे मार सकती है? दो या तीन को मारेगी। मतलब शिवम की ये बनाई हुई स्टोरी गलत है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टीचर ने वेदा को पांच बॉल दिए जिसपे नंबर्स लिखे हुए थे 8, 5, 6, 1, 4। किन्हीं तीन नंबर को प्लस करके 22 होना चाहिए, ये चैलेंज टीचर ने वेदा को दे दिया। अब इन तीन नंबर्स को ऐड करके 22 कैसे होगा, वेदा सोच में पड़ जाती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, इन पांचों बॉल में से ऐसे कौन से तीन बॉल ले सकते हैं जिनका सम 22 हो जाए? सोचिए सोचिए। ये बॉल्स है तो इन्हें घुमा भी सकते हैं। अगर मैं 6 वाली बॉल को घुमा दूं तो वो 9 हो जाएगा और 9+5+8 हो जाएगा 22। वेदा ने ये सॉल्व कर लिया तो वेदा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बरसात की रात थी और पुलिस एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल का पीछा कर रही थी। क्रिमिनल जंगल में छुप जाता है। पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन करती है तो पुलिस को एक जगह क्रिमिनल के शूज के निशान मिलते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्रिमिनल कहां पर छुपा हुआ है? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पीछे वाली झाड़ी के पत्ते देखिए, ये पत्ते बाकी पत्तियों से अलग है और इतने बड़े क्यों है और ये हल्के से हिल भी रहे हैं। पुलिस उन पत्तों को हटा के देखती है तो वहां पे वो क्रिमिनल छुपा हुआ था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर गैंग रात में चोरी करती थी और दिन में अपने टारगेट का पता करती थी। चोर गैंग का एक आदमी कॉलोनी के तीन घरों को ध्यान से देखता है और अपने लीडर को टारगेट हाउस के बारे में बता देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं चोर रात में तीनों में से कौन से घर में चोरी करने का टारगेट कर रहे हैं? सोचिए सोचिए। लेकिन तीसरे घर की महिला ने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी है, इसका मतलब इस घर में ज्यादा ज्वेलरी होगी, तो चोर गैंग ऑब्वियस इसी घर को अपना टारगेट बनाएंगे। तो क्या आप समझ पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शॉपिंग मॉल से ये वाला टी शर्ट चोरी हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल भी वहीं शॉपिंग कर रहा था। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। वो चोरी के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए।
इन दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। लड़का चोरी के पहले सिर्फ एक शर्ट पहना हुआ था, लेकिन अभी शर्ट के अंदर उसने एक टी शर्ट भी पहना हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी ने चोरी की है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। लॉजिकल आर्मी आपके डिटेक्टिव आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए आ गया है डिटेक्टिव आईक्यू गेम। इसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा लेवल्स बनाए हैं आपके आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए, तो जल्दी से गेम डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन शादीशुदा है, ए बी या सी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था, आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे, मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आर्मी क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, खेत की मिट्टी रेड कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर की मिट्टी लगी हुई है, मतलब यही ट्रक उस खेत में आया होगा। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस 4 लोगों को चोरी करने के मामले में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन चारों लोग कहते हैं कि वो स्टेडियम में डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच देख रहे थे। और वो लोग फिर पुलिस को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग कर रहा था। पुलिस फोटो को अच्छे से देखती है। फोटो कल रात की ली गई थी, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस समझ जाती है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी? फोटो में ऐसा क्या देख लिया जिससे पुलिस समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं? सोचिए सोचिए। फोटो के अंदर बॉलर व्हाइट बॉल से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच तो हमेशा रेड या पिंक बॉल होती है। इसका मतलब ये फोटो एडिट की गई है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसे ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और दूसरी बात, वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? मेहुल को डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो चोर पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। तीसरा आदमी कहता है, मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है, और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर गया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लीक देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? सलीम को, मानस को या करण को? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है, मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
छोटू को एक स्पेशल रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें थी। रूम के एक कोने में बर्फ भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या नकली है? सोचिए। लकड़ी के टेबल पे 20 मिनट से आग जल रही है। अगर वो आग असली होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आग नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस के सामने तीन लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। यह है पहले का आईडी कार्ड, यह है दूसरे का आईडी कार्ड और यह है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 ईयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 ईयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 ईयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो दो झूठ बोल रहे हैं और एक सच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी कैसे की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, सीन को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया, लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन मेहुल उनसे भी बड़ा इंटेलिजेंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल से गुजर रहा था तो उसे दो लोगों के झगड़ने की आवाज आती है। दोनों झगड़ रहे थे कि कबूतर को किसने मारा है। कुशल दोनों के पास जाकर पूछता है तो पहला आदमी कहता है कि उसने बस एक मिनट पहले ही कबूतर को मारा है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने 10 मिनट पहले कबूतर को मारा है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं दोनों में कौन सच बोल रहा है? ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, अभी आसपास में बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। अगर गोली एक मिनट पहले चलती तो यहाँ के सारे बर्ड्स भाग गए होते, मतलब गोली बहुत देर पहले चली है, मतलब ये दूसरा वाला आदमी सही बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, ध्यान रहे, बर्ड को मारना सही नहीं है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स विलुप्त भी हो चुके हैं, तो जो प्रजातियां बची है हमें उन्हें सेफ रखना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेररिस्ट एक आर्मी ऑफिसर को मुंबई में किडनैप कर लेते हैं और वीडियो बनाकर गवर्नमेंट को सेंड करते हैं और 10 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट वो वीडियो डिटेक्टिव मेहुल के पास सेंड करती है। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि टेररिस्ट ने आर्मी ऑफिसर को मुंबई में कहां कैद करके रखा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए। पीछे गार्डन दिख रहा है, लेकिन मुंबई में तो ढेर सारे गार्डन है, कैसे पता चलेगा कि वो कौन से गार्डन के पास है? लेकिन आर्मी ऑफिसर को ध्यान से देखिए, वो कॉन्स्टेंटली अपने फिंगर को एक पैटर्न में खोल के रखा है, 1 और 4, मतलब वो शायद लोकेशन को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हो। मेहुल मुंबई का पिन कोड 14 चेक करता है और वहाँ का गार्डन चेक करता है, तो उसे वो बिल्डिंग समझ आ जाती है। पुलिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और जाके उस टेररिस्ट को पकड़ लेती है। मेहुल के इंटेलिजेंस के वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया, ऐसा क्यों? सोचिए लॉजिकल आर्मी।
लॉजिकल आर्मी ट्रेन बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहाँ की हवा में वो मोशन नहीं था, तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया, जिसके वजह से कॉइन उसी मोशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो बंटी के पीछे गिर गया। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है, मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी एक जैसी दिखने वाली दो बॉटल लेता है और एक बॉटल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बॉटल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बॉटल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। गरम पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गरम पानी की डेंसिटी कम होती है, इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन ज्यादा बूढ़ा है, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।